हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अरुणाचल प्रदेश के 100 से अधिक विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक मददगार साबित हुए हैं। कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश में घोषित लॉकडाउन में ये विद्यार्थी अपने घरों तक नहीं लौट पाए। अरुणाचल प्रदेश से आए ये सभी विद्यार्थी पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं और स्वयंसेवक उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। छात्र अपने अभिभावकों से भी लगातार बात कर रहे हैं, जिससे उनकी चिंता भी दूर हुई है। मदद प्राप्त छात्रों का मानना है कि अगर स्वयंसेवक समय पर उनकी सहायता ना करते तो उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। जैसे कि मेरे साथ और भी 9 लोग हैं, मुझे मिला के 10 हैं हम, और हमने घर जाने के लिए 25 का टिकट्स बुक किया था, और ये कोरोना वायरस के वजह से 24 मिडनाइट से लॉकडाउन के लिए पीएम मोदी सर ने अनाउंस कर दिया था, उस वजह से हमें घर जाने को मौका नहीं मिला तो हम यहाँ पर फंस गए। तो जो बचा कुचा पैसा था उससे वो तो हमने टिकट्स बुक करने में चला गया, तो उसके बाद फिर हमारे पास स्टॉक भी नहीं था और हमें पता भी नहीं था कि इतना सा दिन में मतलब महीनों तक लॉकडाउन होगा, तो ये सब कुछ पता नहीं था, तो इस वजह से हमने स्टॉक भी रेडी नहीं किया हुआ था, तो हमारे पास खाने पीने का मतलब प्रॉब्लम चल रहा था। तो उस टाइम में हमें RSS सेंटर से कॉल आया था कि कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ करके। तो जैसे कि मेरे साथ जो बच्चे हैं साथ में, उनके तरफ से मैंने बात किया RSS वालों को कि खाने पीने का चाहिए, चावल वगैरह का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसी टाइम पे हेल्प किया। जिस टाइम में मैंने कॉल किया था उसी टाइम में उन्होंने आके उन्होंने हमें राशन वगैरह दिया और सैनिटाइज़र भी दिया, मास्क भी दिया। इसीलिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार करना चाहती हूँ RSS वालों को। मेरे साथ जो भी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके तरफ से भी, मैं सबके तरफ से मैं आप लोगों को बहुत सारा शुक्रिया करती हूँ, दिल से थैंक यू कि इस ऐसे मतलब मुश्किल वक्त पे आपने हमें मदद किया, और जो हमें मदद करने के लिए जो सर्विस देने के लिए आए थे वो भी बहुत अच्छे थे और उनका बिहेवियर भी बहुत पोलाइट था। उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया, हमें बहुत प्यार से बात किया, और उन्होंने ये भी बोला कि फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमें ज़रूर बताना, और कुछ भी मतलब जब भी खाने पीने या फिर राशन पानी में प्रॉब्लम होगा तो उनको कॉन्टेक्ट करने के लिए बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।